हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉक इट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। तो पेरेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था, जो कि था कि 1 से 2 साल के बच्चों का मोटर डेवलपमेंट में, बेसिकली मोटर स्किल्स डेवलपमेंट क्या क्या होता है 1 से 2 साल के बीच में, वो वीडियो ऑलरेडी हम लाइव कर चुके हैं। तो अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ वो वीडियो, जो कि एज प्रोमिस्ड इन द फर्स्ट पार्ट था, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे का 1 से 2 साल के बीच में। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल्स का, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में जब बच्चा होता है तब। सेम इज द केस विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, क्योंकि जनरली 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसने बहुत ही कम लैंग्वेज डेवलप किया होता है। और लकी केसेस इज ओनली कि फ्यू नोन वर्ड्स, जो कि हम बहुत बार ट्राई करते रहते हैं बच्चे के साथ, तो हाँ बच्चा मम्मा पापा ये सब बोलना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते, बट बहुत सारे बच्चे मम्मा पापा ये सब सिर्फ रिपीट, जो हम बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। बट 1 से 2 साल के बीच में इतना ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज के प्रति कि फाइनली एट द एंड ऑफ 2 ईयर बहुत सारे बच्चे, लाइक अगर मैं इनाया की बात करूं तो यस, इनाया वॉज वन ऑफ देम, जो कि बहुत ईजिली अपने थॉट्स और अपने एक्शंस और अपनी मर्जी जो है वो बता पाती थी थ्रू वर्ड्स 2 ईयर्स के एंड तक। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि 1 से 2 साल के बीच में इतना ज्यादा ये ग्राफ जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ये हाई जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है समझना, और ये भी बहुत जरूरी है समझना कि आप इसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकते हो, बेसिकली कैसे आप हेल्प कर सकते हो कि बच्चों का जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये एट अ फास्टर पेस हो। और फाइनली हम कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं जो कि अगर आपको देखने को मिले तो एक बार कोई बुराई नहीं है कि आप बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी और डॉक्टर को रेफर करे, या फिर बेसिकली ये प्रॉब्लम समझे और आपको इसका सोल्यूशन दे। तो इसलिए रेड फ्लैग्स बहुत जरूरी है हमेशा, खास करके जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो पॉइंट है इस लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, कि बच्चे को लैंग्वेज कितना समझ में आना शुरू होता है इस पूरे 1 से 2 साल के बीच में। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, यानी कि 12 to 18 months के बीच का जो बच्चा होता है, वो बच्चा कॉमन चीजों के नाम जानता है। यानी कि अगर आप मिल्क, जो भी आप उसको जिस लैंग्वेज में आपने उसको चीजें सिखाई है वही लैंग्वेज वो समझने लगता है। तो अगर आपने दूध को दूध बोला है तो वो दूध समझता है, अगर आप उसको मिल्क बोलते हो तो वो मिल्क समझता है, अगर आप उसको बॉर्नवीटा बोलते हो तो वो बॉर्नवीटा समझता है, जो आप बोलते हो वो समझना शुरू करता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के नेम्स, जैसे कि बॉल, टॉयज, बेड, टीवी, ये छोटे छोटे जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो कि रोज आप उसके सामने बात करते हो, वो चीजों के नाम वो समझना शुरू कर देता है। बच्चे जो है वो अपने बॉडी के पार्ट्स, छोटे छोटे हैंड, लेग्स, इन सब से धीरे धीरे स्टार्ट होता है, हैंड, लेग्स, टमी, फिर धीरे धीरे करके बच्चे सारे बॉडी पार्ट्स बताना शुरू कर देते हैं। तो 12 to 18 months में जो कॉमन बॉडी पार्ट्स है वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये है कि 12 to 18 months में बच्चा जो है वो कॉमन चीजें जो वो रोज सुन रहा होता है, और जो रोज जो जिससे वो डील कर रहा होता है, यानी कि टेबल, चेयर, टीवी, फूड, मिल्क, ये चीजें क्योंकि वो रोज सुन रहा होता है, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट के नेम्स जो है वो उसको धीरे धीरे पहचानने लगता है। जरूरी नहीं कि बोलने लगता है, पर हाँ पहचानने लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी लैंग्वेज उसके में शुरू हो जाती है। अब जो 18 से 24 months का बच्चा है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली इससे ज्यादा होती है। तो जो बहुत एक स्पेसिफिक चेंज आपको बच्चे में देखने को मिलेगा, खास करके 18 to 24 months के बीच में, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइम पे हमें इनाया में दिखा था, कि जब हम उसे रेफर करते थे कि इनाया डू दिस, या फिर इनू, क्योंकि हम उसे घर में इनू बोलते हैं, तो इनू डू दिस डू दैट,
तो धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि शी इज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, मतलब उसका एक अपना सोच हो सकता है, वो क्या करना चाहती है वो बताने के लिए वो हमेशा अपने आप को एज इनू रेफर करना शुरू कर दिया था उसने, कि इनू को भूख लगी है, इनू को खाना खाना है। तो 18 to 24 months में जनरली बच्चा अपने आप को एक आइडेंटिटी समझने लगता है और अपने आप को एज अपना नाम लेके रेफर करना शुरू कर देता है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो बच्चा जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, मतलब बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस कि डोंट डू दिस या फिर गो देयर या फिर ओपन द डोर, सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चा समझना शुरू कर देता है 18 to 24 months के बीच में। एंड सेम इज द केस विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं जब वो कोई मतलब किसी चीज के लिए जिद कर रहा है या फिर कोई चीज की मांग कर रहा है या फिर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं इस एज के बच्चे को। लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशंस ही बच्चा इस टाइम पे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज था ये फ्रॉम 1 year to 2 year। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजिंग ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली अगर वर्ड्स की बात की जाए तो 18 महीने का बच्चा, यानी कि 12 से 18 महीने तक का जो बच्चा है वो अराउंड 15 वर्ड्स अपने वोकैबलरी में ऐड कर पाता है, यानी कि 18 महीने तक के बच्चे के पास 20 to 50 वर्ड्स उसके वोकैबलरी में होते हैं, जो कि छोटे से छोटा वर्ड भी हो सकता है। तो वो हम अगर काउंट करें तो अराउंड 20 to 50 वर्ड्स उसके वोकैबलरी में होते हैं। और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ये वर्ड्स का काउंट। एंड सेकेंडली बच्चा जो है इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन विद ओनली 2 वर्ड्स एट अ टाइम, यानी कि ठंडा पानी गर्म पानी, तो यानी 2 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करने लगता है। तो ये होता है डेवलपमेंट विथ यूजिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस टाइम पे उनको रिपीट सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे, अगर आप बच्चे को नर्सरी राइम सुनाते हो तो बच्चा उसे रिपीट करने के लिए बोलता है, क्योंकि बेसिकली रिपीट करने से जो ये वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे उनके वोकैबलरी में ऐड होने लगते हैं। तो इसीलिए उन्हें फेमिलियर चीजें सुनना और बार बार सुनना बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए रिपीटेटिव टेस्ट जो आ जाती है वो इस एज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि ये वर्ड्स बच्चा ग्रास्प कर रहा है और अपने वोकैबुलरी में धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो है प्रोनंसिएशन। तो अगर प्रोनंसिएशन की बात करें तो जो स्टार्टिंग का प्रोनंसिएशन होता है बच्चे का वो बहुत ही ज्यादा हिलर डुला हुआ होता है। तो आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा कि स्टार्टिंग में ही आप बच्चे को बिल्कुल सही से प्रोनाउंस कराने की कोशिश करें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चा जो सुनता है और जितना उसको समझ आता है वही वो रिपीट करने की कोशिश करता है। तो कई बार वर्ड को आधा खा जाना या फिर ट को ल बोलना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है। तो बेसिकली वो सेम साउंड रिपीट करने की कोशिश करते हैं और उस साउंड को जितना वो पकड़ पाते हैं आपसे सुनने के बाद वो चीजें वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार उनका प्रोनंसिएशन इस वजह से काफी हिला हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा 2 साल तक पहुंचने लगता है तो अगर एक अननोन इंसान से आप पूछोगे, जिस इंसान ने उसको बात करते हुए कभी नहीं सुना है, वो हाफ ऑफ द थिंग्स जो बच्चा बोल रहा है वो समझ सकते हैं। तो मतलब 2 साल तक का बच्चा भी अगर कुछ बात कर रहा है तो अगर आप एक अननोन इंसान को बोले कि ये क्या बोल रहा है वो समझे, तो आप उसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो पूरा समझ सके। लेकिन अगर एक अननोन इंसान है जिसने आपके बच्चे को कभी बात करते हुए नहीं सुना है, तो वो हाफ ऑफ द थिंग जो बच्चा बोल रहा है वो समझने के कैपेबल होता है। तो इट मतलब कि हाफ, मतलब कह सकते हैं कि जितना वो बोल रहा होता है उसका हाफ ऑफ द थिंग का आप सेंस निकाल सकते हो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोनंसिएशन धीरे धीरे इस तरह से डेवलप होती है। स्टार्टिंग में बहुत खराब होती है और धीरे धीरे जाके प्रोनंसिएशन जो है वो काफी डेवलप होती है। एंड बाय 2 years एक अननोन इंसान आपके बच्चे का आधा बात समझ सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कन्वर्सेशन में बच्चे जो है जैसे ही बोलना शुरू करते हैं उन्हें बहुत मन करता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, बातचीत करने का। इसीलिए कई बार
आप देखोगे कि बच्चा बस कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने का कोई सेंस नहीं है, वो कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा है, बट somehow उसको लग रहा है कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है और आप उसकी बात समझ रहे हो और वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो इनाया तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब उसने चलने से पहले ये कन्वर्सेशन वाली चीज़ स्टार्ट कर दी थी। तो वो ऐसे कुछ तो भी बोलती रहती थी, ब्ला 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 ब्ला, और हमें समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है, बट उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सेंस में बात कर रही है। तो कन्वर्सेशन में बच्चा ये चीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है। कहाँ गए पापा, बाथरूम चले गए? खोल नहीं रहे ना पापा, गंदे पापा। बोलो खोलो दरवाजा, खोलो। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो कन्वर्सेशन में बच्चा आपसे अपनी बातें बताने की कोशिश करना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करना, जेस्चर्स के थ्रू या फिर येस एंड नो के थ्रू, बट समहाउ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करना। कई बार बच्चे इनक्विजिटिव भी हो जाते हैं, यानी कि पूछने की कोशिश करना कि ये क्या है, या फिर मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, ये चीज़ें पूछना, ये चीज़ें बच्चों के अंदर धीरे धीरे आती है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप क्या क्या करते थे और वहाँ पे? आप लंदन में रहते थे? लंदन। अच्छा, और वहाँ पे आपके पास कितने सारे कार्स थे? कितने कार्स थे आपके पास? हाँ, और आपके पास वो, और आपके वो लायन भी रहता था आपके घर में, और टाइगर भी, और डॉगी भी रहता था आपके साथ। ओ, और आप खाने में क्या खाते थे वहाँ पे? एक और चीज जो कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है वो है इमिटेटिंग अदर्स। तो बच्चों को दूसरे लोगों की तरह बात करने का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। तो क्या कहते हैं, इनाया में तो ये बहुत बड़ा एक हैबिट है कि वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करती है और फिर हंसती है। तो वो मुझे कॉपी करती है, वो विवेक को कॉपी करती है, वो बहुत सारे लोगों को कॉपी करती है, टीवी पे कई बार कुछ सुनती है तो वो कॉपी करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली इमिटेट करना इज ऑल्सो एक हैबिट जो कि एक से दो साल की बच्चों में डेवलप होता है। ये भी एक तरीका है उनका कम्युनिकेट करने का, और ये भी एक तरीका है दिखाने का कि हाँ हमें लैंग्वेज की समझ है। तो वो बेसिकली इसीलिए दूसरों से सुन के उस चीज़ को बहुत इमिटेट करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे आपको अपना बिहेवियर, अपने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप ही से बच्चा सीख रहा होता है। तो अगर आप गलत लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या फिर गलत एटीट्यूड रखेंगे टूवर्ड्स लाइफ, तो वही चीज़ें आपका बच्चा भी आपसे लेता है। बताओ, ओके, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, यू टेल मी। ओह वाओ, नेक्स्ट आता है लिसनिंग। तो लिसनिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो बहुत लोग गुड लिसनर्स होते हैं और लेस ऑफ अ स्पीकर होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसा होते हैं। बट नॉर्मली भी बच्चों को इस एज में स्टोरी बुक्स सुनना, नर्सरी राइम्स सुनना, सॉन्ग्स सुनना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। एक सॉन्ग को चुन के उसे अपना फेवरेट बना लेना और बार बार उसे सुनना, एक स्टोरी को चुन के उसे अपना फेवरेट बना लेना या फिर नर्सरी राइम को अपना फेवरेट बना लेना और उसे बार बार रिपीटेटिवली सुनना, उससे बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प करता है। और इसीलिए लिसनिंग जो है एक बहुत बड़ा हैबिट बन जाता है बच्चों का। बच्चों को सुनना बहुत पसंद होता है, इसलिए बच्चे नर्सरी राइम्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो टीवी की जगह उनको स्पीकर्स पे नर्सरी राइम सॉन्ग्स ये सब अगर आप सुनाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपको। और इसीलिए लिसनिंग की हैबिट जो है वो बच्चों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लिसन करके ही वो ये चीज़ें ग्रास्प कर रहे हैं और लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो बेसिकली लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ये थे कुछ छोटे 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 पार्ट्स जिसमें कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है बच्चे में। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, और इन एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंस है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और इसीलिए इसका करना बहुत ज़रूरी है। पहला एंड फॉरमोस्ट कि जितना हो सके आप अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, बच्चे के साथ चैट करिए, सिंपल चैट।
कुछ भी जो नॉर्मल आप बातें करते हैं वो अपने बच्चों के साथ भी करने की कोशिश करिए. आपको लग रहा है कि उसको समझ आ रहा है या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसे भी हर चीज बताइए, तो उससे धीरे धीरे बच्चा जो है वो लैंग्वेज जो है वो समझना सीखना शुरू कर देता है. Does your baby do flying kiss also? Huh? Can she do flying kiss? Show. Wow! Okay. Can the baby say bye? Bye. Baby. Bye. Bye. Can the baby say hi? Hi. Hi. Okay. Hello. Hello. You know, आपको baby आँख मार सकता है? दूसरी चीज आती है कि रीडिंग एक बहुत अच्छा हैबिट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि बच्चा पहली चीज कि अगर आप स्टोरी बुक से रीड कर रहे हो तो बच्चा पिक्चर्स देख के काफी कुछ समझ रहा है. दूसरी चीज क्योंकि बच्चों के जो स्टोरी बुक्स होते हैं उसमें जनरली ज्यादा बड़े पिक्चर्स होते हैं और कम लिखा होता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि बच्चे जो है हमेशा एक्शंस को वर्ड्स के साथ रिलेट करके सीखते हैं, तो इसीलिए स्टोरी बुक्स में जो भी चीजें हो रही होती है उसे वो पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बच्चा वो चीज देख के और आपकी बातें सुन के उस चीज को रिलेट कर देता है और लैंग्वेज इजीली सीख पाता है. तो इसी से आता है मेरा थर्ड पॉइंट भी कि जो भी आप बात कर रहे हो बच्चों के साथ उसे एक्शन भी करके दिखाओ थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है, कि जैसे कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि क्लोज द डोर, उसको नहीं समझ आ रहा है तो आप जाओ उसको दिखाओ क्लोज द डोर, तो शायद पहली बार उसे थोड़ा बहुत याद है, दूसरी बार उसे थोड़ा और याद आए, थर्ड टाइम उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा क्लोज द डोर का ये मतलब है, दिस इज द एक्शन, तो क्लोज द डोर मतलब डोर को बंद करना है. तो बेसिकली इस तरह से धीरे धीरे डोर से उसने एक ऑब्जेक्ट का नाम सीख लिया कि दिस इज अ डोर, क्लोज द डोर से उसने एक एक्शन सीखा, तो बेसिकली इस तरह से धीरे धीरे बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो डेवलप होती है. तो अगर आप सोचते हो कि बैठे बैठाए ये सारी चीज हो जाती है तो नहीं, आप जितना इस चीज में अपना फोकस दोगे, जितना आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहोगे, उतना ज्यादा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट एट अ फास्टर रेट होता है. अब आती है बारी रेड फ्लैग्स की, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2 साल तक भी अगर आपका बच्चा जो है इन चीजों में बिल्कुल भी डेवलपमेंट शो नहीं कर रहा है तो आप एक बार जाके पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों आखिर आपके बच्चे में ये डिलेज दिखाई दे रहे हैं. तो पहला कि अगर 2 साल तक भी आपके बच्चे ने कोई भी शब्द मतलब कुछ वर्ड्स वो नहीं बोल पाता है तो जी हाँ, मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स एटलीस्ट बच्चे को आना चाहिए 2 साल तक, तो अगर वो नहीं आते हैं तो आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं. दूसरी चीज कि अगर आप बच्चे को कुछ बोलते हैं और वो बिल्कुल भी उस मतलब आप बोलते हो उसे बट वो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आप एक बार आपको जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को कुछ बोल रहे हो और वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि वर्ड्स या फिर जेस्चर्स के थ्रू या फिर एक्शंस के थ्रू, तो इसका मतलब एक बार आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. बच्चे की तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं है कम्युनिकेशन का, यानी कि बच्चा किसी भी तरह से कोशिश ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल चुप है, बिल्कुल भी नहीं बोलता और कोशिश तक नहीं करता है कुछ बोलने की, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. अगर बच्चा 2 साल तक भी सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप किसी चीज के लिए बच्चे को करने के लिए नो बोल रहे हो और उसको समझ नहीं आता है कि ये नहीं करना है, या फिर आप सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि क्लोज द डोर या फिर कम हेयर, तो अगर ये चीजें भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है बाई द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो एक बार आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है. तो बेसिकली रेड फ्लैग हमेशा वही होगा कि आपको बच्चे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट से एसोसिएटेड, यानी कि ना तो बच्चा आपको कोई रिस्पॉन्स देता है, ना बच्चा अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहा है बोलने की, और ना ही बच्चा आपकी बातें समझ पा रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके ये चीजें चेक करानी पड़ेंगी और उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या हेल्प आपके बच्चे के लिए मिल सकती है, ताकि आपका बच्चा जो है वो इन चीजों में अपना जो माइलस्टोन है उसे कंप्लीट कर पाए. तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए था कि
और 1 से 2 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप के लैंग्वेज डेवलपमेंट दिखाते हैं, और इसमें आपका जो है क्या योगदान हो सकता है, आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो बच्चे के साथ, और फाइनली हमने आपको कुछ रेड फ्लैग्स तो बताए। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिए इस हैप्पी हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉपिक बेबी रॉक्स, बाय बाय।